यस बेटा वेलकम। बेटा बहुत प्रॉब्लम्स है। कैसे प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स है कि बेटा स्टाफ डर के हमारे काम पे नहीं आ रहा है, काम कंप्लीट नहीं हो रहा, बहुत से क्लाइंट्स कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इतना होने के बाद भी गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड नहीं कर रही है तो उनको पेनल्टीज लग रही है, फ्रेंड्स में भी डेथ के न्यूज आ रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी टेंशन क्रिएट करती है बेटा। मुझे खुशी कब होती है? मुझे खुशी तब होगी बेटा जब कोरोना है ना पूरा खत्म हो जाएगा ना, ओवरऑल पूरे ग्लोब से खत्म हो जाएगा ना, तब बहुत खुशी होगी और सब अपना अपना काम टेंशन फ्री होके अच्छे से करेंगे। और हाँ, एक सबसे बड़ी खुशी तभी भी होगी बेटा कि जब क्लाइंट्स अपनी फीस टाइमली दिया करें बिना फॉलो अप की, तब भी बहुत अच्छी खुशी मिलती है बेटा। आपको डर कब लगता है? मुझे डर लगता है बेटा कि इतना सब कोरोना का माहौल फैला हुआ है फिर भी कितने लोग हैं जो बिना कुछ काम ऐसे घूमते रहते हैं, बिना मास्क बिना सैनिटाइजर ये यूज किए हुए, तो वो लोग खुद के लिए भी एक डर पैदा कर रहे हैं और दूसरे जो घूम रहे हैं मार्केट में जो काम से घूम रहे हैं उनके लिए भी डर का माहौल पैदा हो रहा है बेटा। मुझे गुस्सा आता है जब मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कर नहीं पाता, तब बहुत गुस्सा आता है बेटा। और इतने सारे केस बढ़ने के बावजूद भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है ना, तो ये भी एक माहौल अंदर से गुस्सा ऑपरेट कर रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है आज की डेट के अंदर। पापा आप वाला श्लोक भूल गए हो। कौन सा वाला बेटा? वो श्रीमद् भगवद्गीता चैप्टर 256 नंबर का श्लोक। अब बेटा सुनो ना। दुखेषु अनुविघ्नाः सुखेषु विगस्पृहः वितरागो भय क्रोधास्तिर्निरुच्यते। बेटा इस श्लोक का मीनिंग क्या होता है? इस श्लोक का मीनिंग होता है जो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में दुखी नहीं होते, जो लोग बहुत सारी खुशी में खुश नहीं होते, जो लोग को डर नहीं लगता, जो लोग को गुस्सा नहीं आता, जो लोग लालची नहीं होते, जो लोग पैसों के पीछे भागते नहीं है, वो लोग श्री कृष्ण भगवान के प्रिय आ जाते हैं। वेरी गुड रीति, वेरी गुड, थैंक यू मुझे याद करवाने के लिए। फ्रेंड्स इसी तरह से जिस तरह से चैप्टर 2 का 66 नंबर का श्लोक हमें सिखाता है कि हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आए टेंशन आए तो इन सबको हमें न्यूट्रली एक्सेप्ट करना है और इसमें हमें कोई भी डिप्रेशन में आके या तो ना करना ऐसा काम नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक कुछ न कुछ लेसन्स लाइफ के कुछ लेसन्स सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता का बारे में एक श्लोक कहा गया है कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। ये श्लोक क्या कहता है? ये श्लोक ऐसा कहता है कि जिस तरह से हम हमारे मल हमारी गंदगी को साफ करने के लिए हम पानी का यूज करते हैं डेली स्नान करते हैं, उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता को गंगा रूपी श्रीमद् भगवत गीता को हमें हमारी लाइफ में उतारना चाहिए, उसका डेली श्रवण करना चाहिए, उससे हम हमारी लाइफ के डिप्रेशन टेंशन ये जो आज नेगेटिविटी का माहौल है इससे हम दूर होके अपने हमारी लाइफ को बैलेंस करके अच्छे से चल सकते हैं बेटा, अच्छे से चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का टाइम निकालिए और अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। हरे कृष्ण।